हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम विकास यादव एंड टुडे वी आर गोना डू एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। बट बिफोर दैट, एज आई आस्क यू एवरी टाइम दैट लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ये सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैवंट एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड जॉइन अस एट व्हाट्सएप। सो बेसिकली इन लास्ट क्लास we had discussed some introduction, some basic concepts which were important to be discussed before attempting questions of exercise 2.2. So today let's start and try to solve these questions of exercise 2.2. So without any time waste, let's start these questions. So basically aaj ka hamara pehla question hai that which of the drawings A2D shows, लाइक यहाँ पे हमको क्वेश्चंस दिए गए हैं, दैट इज दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। सो हमको ऑप्शन ए बी सी डी में से हर एक इस क्वेश्चन के आंसर इन चार ऑप्शंस के अंदर से चूज करने हैं। क्वेश्चंस और इनके बेसिस पे, दीज आर क्वेश्चंस और इनके बेसिस पे हमें ये नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं, चार हमको ड्राइंग्स दी हैं, उनमें से एक एक इनका आंसर है। लाइक सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सिंग 2 × 1/5। अब देखिए, मैं एक ही क्वेश्चन को डीपली समझाता हूँ और उसी के बेसिस पे हम बाकी के तीन क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि 1/5 फ्रैक्शन को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें। इट मीन्स डैट कोई यहाँ पे फ्रैक्शन है डैट इज कन्वर्टेड इंटू 1/5। That means there is a figure, यहाँ पे कोई figure है that has 5 parts and from that 5 parts one part is colored and how many types of figure are there? 2। यही तो मतलब है ना कि भाई एक fraction है, एक आपका कोई ऐसा figure है जिसके 5 parts हैं और उन 5 parts में से आपका 1 part colored है। और ऐसे कितने figures हैं? 2 figures हैं। अब देखिए, check out करता हूँ मैं। सो ए पार्ट में तो यहाँ पे 3 figure है, बट यहाँ पे तो 2 figure की बात हो रही है, तो ए तो हट गया। बी, बी में कितने फिगर्स हैं? 2 figures हैं। ओके, यहाँ हम चेकआउट कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि दैट फिगर हैज़ 5 parts, बट यहाँ पे तो फिगर के केवल 2 parts हैं, मतलब एक फिगर के 2 parts हैं, और ऐसे कितने फिगर्स हैं? 2 figures हैं। तो ये भी नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे तो केवल 2 parts हैं, यहाँ पे हमको चाहिए थे 5 parts। सी पार्ट के अंदर, यहाँ पे हमारे सी ऑप्शन के अंदर यहाँ पे 3 figures हैं, देयर आर 3 figures। सो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन, सो डी ऑप्शन बचा तो डी ही होगा। बट देखिए, हमको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, सो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वी विल चेक दैट इज दिस फिगर हैव 5 parts। सो 1, 2, 3, 4, 5, ओके 5 parts आर हियर। और ऐसे कितने फिगर्स हैं? 2 figures हैं। ओके, 2 figures हैं, और उसमें से कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1। और इन 5 parts में से 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 parts में से 1 part कलर्ड है। सेम हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 5 parts में से 1 part कलर्ड है। ओके, फ्रैक्शन का मतलब यही होता है ना, टोटल पार्ट्स में से 1 जो ऊपर न्यूमरेटर होता है दैट इज द कलर्ड पार्ट, और यू कैन से आउट ऑफ होल। सो होल 5 parts हैं और उसमें से 1 part कलर्ड है, और ऐसे कितने फिगर्स हैं? 2 figures। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन विल बी डी। सो मेरे फर्स्ट का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। सो आप लोग यहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, बिकॉज मैं अगर फिगर ड्रॉ करूँगा तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो सिंपली आई विल राइट हेयर, मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा, इन योर कॉपी यू विल ड्रॉ दिस पार्ट। ओके, 2 × 1/5 को यहाँ पे आप लिख के, डी ऑप्शन लिख के ये पार्ट को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ओके, सो आई एम नॉट ड्रॉइंग इट, आई एम सिंपली राइटिंग हियर दैट फर्स्ट क्वेश्चन हैज ऑप्शन डी आंसर। ओके, नाउ आई विल गो ऑन सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया। अब सेकेंड क्वेश्चन सेज 2 × 1/2। So we will look out for a figure that will have 2 whole parts
and out of that two parts, one part should be colored. And how many figures should be there? There will be two figures like that. So here there are three figures, so it can't be here in this two parts. Okay, out of that two parts, one part is colored. Okay, I got it. And how many figures are there? There are two types of figure like this. So second ka bhi humko answer mil gaya. Second ka answer hoga B. आप फिगर बना लेंगे यहाँ पे, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे फिगर बना लेंगे. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन सेज 3 × 2/3. इट मींस हमें ऐसे ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंदर जो टोटल पार्ट्स हैं फिगर के, वो टोटल पार्ट्स 3 हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स कलर्ड हैं. और ऐसे टोटल कितने फिगर्स हैं? 3 फिगर्स हैं. सो यहाँ पे देखिए, ये फिगर हमारा जो है, ये हमारा आंसर है. बिकॉज वाई? इट हैज टोटल 3 पार्ट्स, 1, 2, 3. और इन 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स कलर्ड है, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर. थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ए. ऐसे ऐसे आपको चेक करते जाना है. एंड फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट सेज 3 × 1/4. ओके, अब हमको ऐसा फिगर ढूंढना है जिसके 4 पार्ट्स हो और 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट कलर्ड है. और ऐसे कितने फिगर्स होने चाहिए? 3 फिगर्स. सो 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट कलर्ड है. यस, इट इज कलर्ड. एंड हाउ मेनी फिगर्स आर देयर लाइक दिस? 3 फिगर्स. सो फोर्थ ऑप्शन का आंसर सी ऑप्शन होगा. सिंपल एज दैट. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको यही करना था, हमको ये फाइंड आउट करना. ऑलराइट, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग को जहाँ मैंने ऑप्शंस लिखे हैं, ऑप्शंस के साथ साथ ये इमेजेस भी बना लेनी है अपने नोटबुक में. ओके, लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन. नाउ इन सेकंड क्वेश्चन, अगेन ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, और यहाँ पे हमको बस वन स्टेप और आगे जाना है, वन स्टेप और आगे जाना है. एंड दैट वन स्टेप इज, some pictures A to C are given below, tell which of them show. These are again, these are questions, and we have to find the diagram, or you can say drawing of these questions. So यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे जो figure है, total figures जो है वो 5 है, और 5 में से colored part कितना है? 1 colored part है. और ऐसे total कितने figures हैं? 3 फिगर्स हैं. ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर निकाल दिया, यानी इसने हमको रिजल्टेंट भी दे दिया. लाइक देखिए, 3 × 1/5. अब 3 यहाँ पे इसके नंबर के नीचे कुछ नहीं है, नंबर बिल्कुल सिंपल नंबर है. सो अगर कोई भी ऐसा सिंपल नंबर रहता है और उसके डिनोमिनेटर वगैरह कुछ नहीं रहता, सो हम वहाँ पे अपनी तरफ से डिनोमिनेटर लगा सकते हैं. सो 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया. 3 will be multiplied to 1 and 1 will be multiplied to 5. So our answer will come 3/5. So हमको ऐसा आंसर ढूंढना है जिसका टोटल कितने पार्ट्स हो? 5 पार्ट्स हो उस फिगर में, और उसके कितने पार्ट्स कलर्ड हो? 1. और ऐसे कितने फिगर्स होने चाहिए? 3. So it means जो रिजल्टेंट आंसर आना चाहिए उसमें टोटल 5 पार्ट्स होने चाहिए और कलर्ड पार्ट होने चाहिए 3. ओके, सो यहाँ पे हम पहले A देखेंगे. A के अंदर कितने टोटल पार्ट्स? यहाँ पे तो 3 है, बट हमको 5 चाहिए. सो इट कांट बी. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे तो 4 पार्ट्स हैं, हमको 5 पार्ट्स चाहिए. सो देयरफॉर इट कांट बी. सी पार्ट, सी पार्ट में देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5. टोटल 5 पार्ट्स हैं इस फिगर के अंदर. ओके, और इसमें से कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1. सो यहाँ पे 1 कलर्ड पार्ट है, और ऐसे हमको कितने फिगर्स चाहिए? 3 फिगर्स चाहिए. सो यस, 1, 2, 3, 3 फिगर्स हैं. और रिजल्टेंट हमारा क्या है? 3/5. 3/5 में 5 हमारे टोटल पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5. और इन 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स कलर्ड होने चाहिए. सो 1, 2, 3, 3 कलर्ड पार्ट्स हैं. सो यह, वी हैव फाउंड इट दैट फर्स्ट ऑप्शन, दिस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट ऑप्शन. नाउ आपको भी यहाँ पे ऐसे फिगर बना लेनी है और ऐसे ही फाइंड आउट करना है. ओके, लॉजिक लगा के. नाउ सेकेंड ऑप्शन इज 2 × 1/3, एंड इट द रिजल्टेंट आंसर इज 2/3.
कैसे आया आप लोग को पता है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 लग जाएगा एंड न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड दैट डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। ओके सो हमको ऐसा फिगर आउट ढूंढना है जिसके डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स कितने हो 3 हो और उसके कलर्ड पार्ट कितने हो 1, और ऐसे कितने फिगर्स होने चाहिए 2। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन से दोबारा चलते हैं, यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं फिगर के 3, उसमें से कलर्ड पार्ट कितने हैं 1, यस 1 कलर्ड पार्ट है, और ऐसे कितने फिगर्स हैं 2 फिगर्स हैं, यस दिस इज करेक्ट, और जो हमारा रिजल्टेंट आंसर आया देखो बुक्स में 3 टोटल पार्ट्स हैं उसमें से 2 कलर्ड पार्ट है। ओके सो ए विल बी द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 3 × 3/4 इट शुड बी 2/4। अब देखिए यहाँ पे हमको मिक्स्ड में दिया है, आर आंसर हियर इज गिवन इनटू मिक्स्ड फॉर्म रिजल्टेंट आंसर, सो हम इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे, सो 4 × 8, 8/8 + 1, 9, सो इट विल बी 9/4। ऑलराइट 4 × 8 and 8 + 1, 9। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में अब हमारा ए का सी हो गया, सेकंड ऑप्शन का ए हो गया, अब एक ही ऑप्शन बचा यहाँ पे बी, तो थर्ड ऑप्शन का हमारे यहाँ पे पहले से ही कंफर्म हो गया कि बी आंसर होगा, बट लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, टोटल पार्ट्स 4 हैं, और 4 में से कलर्ड पार्ट कितने होने चाहिए 3 कलर्ड पार्ट्स होने चाहिए 1, 2, 3, और ऐसे टोटल कितने फिगर्स होने चाहिए 3, 1, 2, 3। ओके बाद में अब हमसे ये कहते हैं कि जो रिजल्टेंट आंसर आ रहा है हमारा, उस रिजल्टेंट आंसर में देयर शुड बी 4 डिनोमिनेटर इन विच 9 कलर्ड पार्ट शुड बी, सो हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 कलर्ड पार्ट्स, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर हमारे टोटल पार्ट्स हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है वो बी है। ओके आप यहाँ पे बी वाला ऑप्शन कॉपी में नोटबुक में अपने बना लेंगे। लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके सो वी आर गोना डू क्वेश्चन नंबर 3, सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स अटेम्प्ट दिस। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इट मींस यहाँ पे हमको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल 10 पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन के, एंड इन 10 पार्ट्स के अंदर हमको मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट आंसर आएगा उसको लोएस्ट फॉर्म में सिंपल और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा If that answer could be converted into mixed fraction, अगर उस answer को mixed fraction के अंदर हम convert कर सकते हैं, then we have to convert that answer into mixed fraction. So let's start with the first question. That is 7 × 3/5. As we know that यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, so I will simply put 1. Numerator will be multiplied by numerator. Denominator with denominator. 7 × 3 = 21 and 1 × 5 = 5. ओके सो मेरा आंसर ये आया, इसको मैं काट नहीं सकता बिकॉज 21 और 5 का कोई रिलेशन नहीं है। ओके सो ये तो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने से रहा, बट मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में जरूर कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करते हैं, सो 5 × 4 = 20 −1, 2 × 2 = 0। ओके सो मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमको रूल पता है हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, दोज हु हैव वॉच्ड द लास्ट वीडियो उनको पता है डेट यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ओके सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 1, 4 विल कम टू दिस साइड एंड 5 विल गो टू डिनोमिनेटर, सो दिस इज द मिक्स्ड फॉर्म, दिस इज द आंसर एंड दिस इज हाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन,
अब मैं फटाफट क्वेश्चंस करता चला जाऊंगा, देखिए आप लोग लॉजिक समझना है, वीडियो पॉज करना और देखना, या फिर रिवाइंड करके पास्ट क्वेश्चन देखना। यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिनोमिनेटर में 1 पुट कर दूंगा। मैंने क्यों पुट करा है आप लोग को पता होना चाहिए। 4 × 1, 1 × 3, आई विल सिंपली कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फॉर्म। 3 × 3 माइनस 4 में से 3 या 1, ये 1 यहाँ जाएगा, ये 1 साइड में आएगा और ये 3 नीचे जाएगा। ओके सो 1 1 3। ओके थर्ड क्वेश्चन, 2 × 6/7, मैं 1 पुट कर लगा दूँ यहाँ। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, 2 6 = 12, 1 7 = 7। ओके 7 × 7, 7 × 14 बड़ा हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, 5 विल गो हियर, 1 हियर एंड 7 हियर, 5 1/7। नाउ अब नोट डाउन कर लीजिए मैंने कैसे करा, बिकॉज आई एम गोइंग टू क्लियर दिस स्क्रीन। ओके आई एम गोइंग टू क्लियर दिस स्क्रीन, सो प्लीज पॉज दिस वीडियो, नोट इट डाउन। ऑलराइट, वी हैव कंप्लीटेड 3 पार्ट्स, नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ पार्ट। 5 × 2/9, अगेन यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मैं 1 पुट करके इसके नीचे डिनोमिनेटर क्रिएट कर दूंगा। 5 × 2, 5 × 10, 1 × 9 = 9। ओके अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इफ दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन देन आई विल कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, और अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाता देन इट्स ओके, आप उसको सिंपल नॉर्मल फॉर्म में उसको छोड़ सकते हैं। सो 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, 1 यहाँ, ये रिमाइंडर ऊपर जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए, क्वेश्चन साइड में आएगा, डिवाइजर नीचे जाएगा। सो 1 वो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला साइड में, एंड साइड जो डिवाइजर है वो नीचे आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट, 2 × 3/4। अब देखिए नंबर चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, सिनेरियो उसके साथ यही होगा कि अगर उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा सिंपली वी विल पुट 1। सो 2 × 4 = 8 एंड 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 8 × 6 = 2। अब देखिए ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 साइड में आएगा और ये 3 नीचे जाएगा, ऐसे करना है फटाफट। सिक्स्थ पार्ट, 5 × 2 × 6। ओके सो यहाँ पे 6 के नीचे कुछ नहीं है, 5 × 6, 2 × 1, 5 × 6 = 30, 2 × 1 = 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नंबर का कुछ रिलेशन है 30 ऑफ 2 का, कैसे है तो यहाँ पे देखिए कि मैं आगे जब इसको डिवाइड करूंगा तब आपको पता लगेगा। 2 2 1 = 2, 3 में से 2 गया 1, ये 0 नीचे आ जाएगा, एंड 2 5 = 10। अब देखिए ये यहाँ पे पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा मेरा, मेरा जो आंसर आया वो 15 आया। सो यहाँ पे सिंपली जो आंसर है वो 15 आएगा। इसका जो लोएस्ट फॉर्म है, जो यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म पूछ रहा था, लोएस्ट फॉर्म इज दिस 15। ओके अब इसको तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर नहीं सकते, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके सो दिस विल बी लाइक इट, ये ऐसे ही रहेगा। नाउ लेट्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब कर दूंगा, पूरे स्क्रीन को इरेज कर दूंगा। ओके ओके चलिए, नाउ सेवंथ पार्ट, 11 × 4/7, 11 × 4/7, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 11 × 4 एंड 1 × 7, इट विल बी 44 एंड इट विल बी 7। नाउ लुक,
मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा, 7 का टेबल पढ़ूंगा, 7 × 7, 7 × 14, 3 × 21, 4 × 28, 5 × 35, 6 × 42, 7 × 6 = 42, बिकॉज 7 × 7 = 49 होगा, 49 44 से बड़ा हो जाएगा। आई विल सिंपली सब्ट्रैक्ट दिस, 4 में से 2 गया 2 एंड इसमें से गया ये 4। अब ये 2 जैसे हमको पता है मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो पाएगा, ये इसको हम ऐसे कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 6 साइड में आ जाएगा एंड 7 नीचे आ जाएगा। 8th question इज 24/5, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दूंगा और यहाँ पे इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, 20 × 4 इट इज 80 एंड 1 × 5 इज 5। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी 5 और 80 का रिलेशन कैसे है अभी आपको पता लग जाएगा। 5 1 = 5, 8 में से 5 गया 3, 0 नीचे आ जाएगा एंड अब 5 के टेबल में 35 6 = 30, तो ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, इट मींस पूरा का पूरा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए जो इतने भी हमने क्वेश्चंस करे अभी तक जिनको हमने मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा वो सभी के सभी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे, वो हो ही नहीं सकते थे, बट जो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं वो मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सो 80 और 5 का रिलेशन था, मेरा आंसर 16 आया। सो ये दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ दिस 80/5 फ्रैक्शन। नाउ 9th पार्ट, 13 × 1/3, यहाँ पे मैं सिंपली इसके नीचे 1 पुट कर दूंगा बिकॉज कुछ नहीं है, सो 1 आई विल पुट, 13 × 1 = 13 एंड 1 × 3 = 3। अब देखिए अब मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगा, 13 विल बी डिवाइडेड बाय 3, 3 के टेबल में पढ़ूंगा, 3 × 4 = 12 और 13 में से 12 जाएगा, सो माय आंसर विल कम 1। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आएगा मेरा अगर तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मेरा रिमाइंडर नहीं आ रहा और रिमाइंडर में आंसर 0 आ रहा है देन आई कांट कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके सो यहाँ पे 13/3 विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 ऊपर चला जाएगा, 4 साइड में आ जाएगा एंड 3 नीचे आ जाएगा। ओके सो ऐसे था। अब देखिए यहाँ पे 10th क्वेश्चन भी मैं यहाँ कर देता हूँ, 15 × 3/5, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दूंगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई एंड 1 को 5 से, 15 × 3 = 45 एंड 1 × 5 = 5। अब देखिए 45 और 5 का रिलेशन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, डिवाइड करेंगे 5 5 9 = 45 माइनस 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया then it can't be converted into mixed fraction, so 45 और 5 जब कटेगा तो मेरा आंसर आएगा ये क्वेश्चन 9 is the simplest or lowest form of this whole calculation। तो देखो हमने 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, now 4th क्वेश्चन। अब देखिए 4th क्वेश्चन में हमको शेडिंग करनी है, शेड करना है, 3 क्वेश्चन दिए हैं। ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग शेड यानी हमको कलर करना है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स ए, यानी वी हैव टू शेड 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, यानी जितने यहाँ पे सर्कल्स दिए हैं हमको उनके 1/2 को सर्कल्स करना है। और 1/2 किसके, कितने सर्कल्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ए पार्ट करके सॉल्व करेंगे, तो टोटल कितने सर्कल्स है, फर्स्ट वी विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 1/2 सर्कल्स इन बॉक्स ए, 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट को पार्ट है, ओके इट इज नॉट ए इट इज फर्स्ट पार्ट, सो कितने सर्कल्स थे, 12, सो 1/2 ऑफ 12 सर्कल्स, इट मीन्स मैं 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ओके 12 सर्कल्स है ठीक है ना,
तो यहाँ पे ये अब मेरी कुछ ये इस तरह की फॉर्म आ गई, ओके। अब ये कुछ इस तरीके का फॉर्म आ गया, अब हम इसको डिवाइड कर सकते, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके नंबर्स के नीचे कुछ नहीं था, तो मैं 1 पुट कर दूंगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 12 12 2 1 2 और 2 और 12 का रिलेशन है, 2 के टेबल में 12 आता है, कब आता है, मैं अगर इसको काटूंगा 2 1 2 2 6 12 मेरा आंसर आएगा 6/1। इट मीन्स यहाँ पे मैं अगर 1 करूँ लिखूँ या ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मीन्स माई आंसर कैन कम 6, आई कैन राइट 6। तो यहाँ पे बोल रहा है शेड हाफ ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स, यानी 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स, और 1/2 कितने सर्कल्स हैं यहाँ पे, 6 टोटल, यहाँ पे कितने सर्कल्स हैं, 6 हमको सर्कल्स शेड करने हैं। सो सिंपली यहाँ पे मैं 6 सर्कल शेड कर दूंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। ये मतलब था यहाँ पे, ऐसे हमको सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करने हैं। सो आई एम गोना रब दिस होल सॉल्यूशन, सो नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो, ओके। लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट इज 2/3, इट मीन्स शेड, इट मीन्स कलर 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी, इट मीन्स जो ये बॉक्स बी है इसके अंदर जो ट्राइंगल्स है उसके 2/3 पार्ट्स हमको शेड करने हैं। अब 2/3 पार्ट्स, पहले तो हम यहाँ पे ट्राइंगल्स काउंट कर लेते हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ट्राइंगल्स आ गए। सिंपली आई कैन राइट 2/3 ऑफ 9 ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। अब इस स्टेटमेंट को हम अपनी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एंड 9 ट्राइंगल्स, कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये। अब ये कुछ इस तरीके से हो गया, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आई विल पुट 1 इन डिनोमिनेटर और मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 9 जा 18 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पे 18 और 3 का रिलेशन है, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 भी आता है, सो आई विल सिंपली कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर फॉर्म, 3 1 जा 3 3 6 जा 18, मेरा आंसर कितना आया, 6/1, सो आई कैन राइट इट 6। तो देखिए 2/3 का आंसर कितना आया, 6 आया, इट मीन्स हेयर वी हैव टू कलर 6 पार्ट्स, 6 ट्राइंगल। देखिए आई एम नॉट वेरी गुड एट कलरिंग, आई एम सिंपली गोइंग टू डू लाइक दिस, मैंने यहाँ पे 6 पार्ट्स कलर कर दिए, ओके। सो ऐसे करना है हमें, हमको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ करना है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नाउ लुक सी पार्ट, और यू कैन से थर्ड पार्ट है ये, 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन द बॉक्स, इट मीन्स शेड 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन द बॉक्स। सो हमको इस सी पार्ट यानी सी बॉक्स के अंदर जितने भी स्क्वायर्स हैं उसके 3/5 को शेड करना है, कलर करना है, सिंपल, सिंपली 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। टोटल कितने बॉक्स स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 स्क्वायर्स। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3/5 ऑफ 15 स्क्वायर्स इन बॉक्स सी, यहाँ पे ऑफ हटेगा मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 15। अब हमको ये कैलकुलेशन करनी आती है, सिंपली आई विल राइट डिनोमिनेटर बाय पुटिंग 1, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 3 multiplied by 15, सो इट विल कम 45, और यू कैन से 15 multiplied by 3, ओके, 5 multiplied by 1 5। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, जिनको
नहीं आता 5 9 45। तो देखो 5 के टेबल में 5 भी आता है और 45 भी आता है, तो 5 5 5 5 9 45। माय आंसर विल कम 9 upon 1। सो सिंपली आई कैन राइट इट 9। इट मींस मेरा आंसर आया तो मेरे को टोटल इसमें से 9 स्क्वायर्स शेड करने। आई विल शेड लाइक दिस बिकॉज आई एज आई टोल्ड यू आई एम नॉट वेरी गुड एट कलरिंग। सो या देखिए फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करना है विद एक्सप्लेनेशन विद दिस स्टेटमेंट्स। आपको पूरी स्टेटमेंट्स के साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है कि हमने इसको कैसे कलर करा। ओके सो आज के लिए इतना ही, 4 क्वेश्चन करें हमने। नेक्स्ट क्लास में हम 5 6 7 and 8 क्वेश्चन भी कर लेंगे। ऑल राइट उनको करने का हम ट्राई करें। सो इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। और हाँ हमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर क्वेश्चंस। वी विल सॉल्व और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय।